मैं हूँ हेमंत कुमार। आज रिटायर्ड पुलिस अफसर डॉक्टर करुणा सागर ने राजद की सदस्यता ली है। इस मौके पर जहानाबाद के इलाके से बहुत सारी महिलाएं ये आई हुई हैं, बिहार के मुख्तलिफ इलाकों से भी महिलाएं आई हुई हैं। मैं उन लोगों से बातचीत करूंगा और जानना चाहूंगा कि वो क्या महसूस कर रही हैं इस मौके पर, जब करुणा सागर जी की ज्वाइनिंग हुई है RJD में। करुणा सागर जी की वाइफ हैं अंजू सागर जी। आपसे मैडम ये जानना चाहूँगा कि खाकी से खादी की जो यात्रा है वो कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं। एक संघर्ष के बाद अब एक दूसरा संघर्ष शुरू होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है, तो वो जो करेंगे उसमें हमारा साथ है। ये मैं ये जानना राजनीति आने का निर्णय है, उसमें आप भागीदारी करती हैं, आपने क्या सोचा है? ये सही फैसला? बिल्कुल सही फैसला है, क्योंकि अभी समय से समाज सेवा में तो लगे ही हुए थे, तो ये एक नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट कदम है उनका, तो उनका हर समय में हमारा सपोर्ट उनके साथ है। हम लोगों को ये क्षेत्र में जहानाबाद में पटना के इलाके में वो समाज सेवा से भी जुड़े रहे हैं, तो अपने सर्विस के दौरान वो समय निकाल करके समाज सेवा भी करते रहे हैं, तो उसमें आपकी भागीदारी कैसी रही है उनके उन कार्यों में? हर तरह से सपोर्ट करना, उनको जो भी वो करना चाहते थे उसमें हम उनके साथ रहे हैं, और एक्टिवली जहानाबाद जाके तो हम उतना नहीं कर पाए हैं, लेकिन हाँ अपने तरफ से जितना भी सपोर्ट हो सका है किए। एक मेरा सवाल, अंतिम सवाल आपसे ये है कि RJD के बारे में ये धारणा है कि RJD जो है वो अग्रणी जाति के लोगों की विरोधी पार्टी है, लेकिन आपके हस्बैंड ने इस पार्टी को ज्वाइन किया है, तो आपको क्या लगता है कि ये धारणा सही है या गलत है? हाँ नहीं, ये धारणा बिल्कुल गलत है, ये सबके साथ हैं। अभी जो आपने खुद सुना कि उन्होंने बोला कि A to Z की पार्टी है, तो ऐसा ही है। जहानाबाद जिला से। अच्छा, तो इस कार्यक्रम में जब ये जो डॉक्टर करुणा सागर जी जो ज्वाइन किए हैं पार्टी में RJD में, ये आप लोगों को जानकारी थी कि ये ज्वाइन करने वाले हैं? हाँ। अच्छा, उन्हें इस पर आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, मिलन समाप्त में आए हुए हैं, तो क्या लग रहा है कि इनके ज्वाइन करने से पार्टी कितना मजबूत होगी? हाँ मजबूत होगा, पार्टी मजबूत होगी। आपको क्या लग रहा है कि इनके ज्वाइन करने से पार्टी कितना मजबूत होगी? इनका ज्वाइन करने से जो है बिहार नहीं पूरे देश का जो है विकास होगा, रोजगार मिलेगा, और जो भ्रष्टाचार लोग हैं उनको सबक मिलेगा। अच्छा, आप ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? मैं पटना से ही हूँ। पटना से? हाँ। डॉक्टर बोलिए। डॉक्टर करुणा सागर जी ने RJD ज्वाइन किया है। हाँ। इनके RJD में ज्वाइन करने से क्या फ़ायदा होगा? बहुत फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि वो उन्होंने बहुत काम किया है जहानाबाद में। अच्छा, हम तो जो बचपन से देखा हूँ मैंने उन्हें। जहानाबाद के हैं? मैं जहानाबाद के नहीं हूँ, मैं उनके पटना में जो घर है उनका पड़ोसी, उनके घर में उनके घर के सामने मेरा घर है। अच्छा, उनको मैंने बचपन से देखा है, पटना आते थे, मिलते थे सबसे, इतने सामाजिक आदमी हैं कि ऐसे लोगों की जरूरत है अपने राजनीति में। अच्छा, आजकल जैसे और BJP जैसे भ्रष्ट नेता लोग भरे हुए हैं, जैसे अमित शाह जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे, और भी जैसे बहुत भ्रष्ट नेता हैं उससे जो भरे हुए हैं, उनसे तो ये लाख गुना अच्छे हैं। मतलब DGP पद पर रहते हुए बताइए कि ये माना जाता है, ये धारणा बनी हुई है कि RJD जो है वो अग्रणी जाति के लोगों की विरोधी पार्टी बकवास है, तो ये बकवास है, भूमिहार होकर के ये इन्होंने आपकी पार्टी ज्वाइन किया है तो बकवास है। अच्छा, आप प्रेस से हैं, मैं बता दूं ये बकवास है। अच्छा, ये जो भी बोलता है ना कि अग्रणी जाति को विरोध करता है, ये बकवास है, ये वहाँ बकवास है। ठीक है, हम लोग शुरू से ये भले तेजस्वी जी ने नया आह्वान किया हो A to Z की पार्टी, लेकिन शुरू से लालू जी जब से थे तब से A to Z की पार्टी रही RJD। ठीक है, और हर तबके को हम लोग सम्मान करते हैं, चाहे वो भुयार हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, लाला हो, हर को हम लोग तहे दिल से इज्जत से मानते हैं। RJD हम लोग नहीं, RJD अलग बात है। कुछ RJD के नेता बीच में आ गए हैं। पार्टी कितना मजबूत होगी? बहुत मजबूत होगी पार्टी। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी
जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ए टू का शुरू से कहा रहा कि हमारे पहले के ज़माना की अब ए टू जेड सभी लोगों को लेकर चलेंगे और समाज लालू जी का जो सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है और तेजस्वी तो धारणा है कि आरजेडी जो है अग्रणी जाति की विरोधी पार्टी है। नहीं, विरोधी दल का ये लोग हंगती रहता है कि ये बात है, सब विरोधियों का प्रचार है। आप शुरू से उठा के देखिए, चाहे जगता बाबू हों, चाहे रघुवंश बाबू, सब लोग बहुत लोग ऐसा नाम है जब मतलब कि मंत्री रहे, उनके सरकार में रहे, ये सब गलत है, ये दुष्प्रचार लोग करता है हमारे नेता। ये लग रहा है आपको कि इनके आने से आपको निश्चित रूप से हमें बहुत बड़ा सहयोग बल मिलेगा और आने वाले 24 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में इनके शामिल होने से निश्चित रूप से हमें ज़्यादा फायदा मिलेगी। तो आप सुन रहे थे कि लोग बता रहे हैं कि डॉक्टर करुणा सागर के ज्वाइन करने से राजद मजबूत होगा, राजद को फायदा होगा और यह जो कहा जाता है कि राजद अग्रणी जातियों की विरोधी पार्टी है, इनका कहना है कि नहीं, ये दुष्प्रचार है विरोधियों की ओर से, पार्टी ए टू जेड की पार्टी है और इसलिए इनके आने से पार्टी और ज़्यादा मजबूत होगी। धन्यवाद।